बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पैट डॉग। ये कहानी एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े जोड़े की है, यानी पति पत्नी की है, और उनके एक कुत्ते की है, पालतू कुत्ते की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके पड़ोसी बहुत ही परेशानी पैदा करने वाले। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो कुत्ता है वो एक बहुत ही दुखपूर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है, बहुत ही दुखद मृत्यु को प्राप्त होता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस, और जो इस कुत्ते की आत्मा है वो सोलेस, मन की शांति प्रदान करती है, सांत्वना प्रदान करती है। एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर, अपने मालिक को सहारा भी देती है। इन अनएक्सपेक्टेड वेज, अप्रत्याशित तरीकों से, यानी कि जो तरीके सोचे भी नहीं जा सकते, उन तरीकों से वो अपने मालिक की मदद करता है और उसी को मन की शांति प्रदान करता है। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, एशेज राख होती है, और जिस राख ने पेड़ों को खिलाया, ब्लूम मीन्स खिलना, तो यहाँ पर पेड़ों को खिलाने के लिए जो राख है वो किस प्रकार खिलाती है पेड़ों को, ये इस पाठ में बताया गया है, इस कहानी में बताया गया है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोस, डाइमियोस 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, जो बड़े जमींदार होते थे, उन्हें 19वीं शताब्दी में जापान के अंदर डाइमियोस कहा जाता था। तो बहुत पहले की बात है, डाइमियोस। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, एक बूढ़ा जोड़ा, यानी पति पत्नी रहते थे और उनका एक पालतू कुत्ता रहता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वे इसे इतना ही चाहते थे जैसे कि वो कोई बच्चा ही हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, डेम लेडी महिला के लिए आया है, जो बूढ़ी महिला है उन्होंने एक छोटी सी गद्दी बनाई, ब्लू क्रेप ये कपड़ा है, नीले रंग का कपड़ा है, उससे उन्होंने एक गद्दी बनाई। एंड एट इट मील टाइम, एंड एट मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, इसका नाम क्या है कुत्ते का, इसका नाम है म्यूको, और वो खाने के समय पर क्या करता था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, और वो इसके ऊपर जब खाना खाता था तब बैठता था उसी प्रकार से जैसे कि कोई बिल्ली आराम से बैठती है, स्नग कंफर्टेबल, आराम से बैठना। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिटबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और ये जो दयालु लोग थे, यानी ये पति पत्नी जो थे, ये अपने पालतू को यानी इस कुत्ते को टिटबिट्स ऑफ फिश, मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाया करते थे अपनी ही चॉपस्टिक से, चॉपस्टिक चम्मच की तरह ही होती है लेकिन खाली वो स्टिक होती है, खाना खाने के काम आती है। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वॉन्टेड, और उबला हुआ चावल भी जितना वो चाहता था वो खिलाते थे। Thus treated, इस प्रकार से उससे व्यवहार किया जाता था। द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल, अ बीइंग विद अ सोल लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन, एक बच्चा ही जैसे कि मनुष्य का बच्चा होता है उसी तरह से वो इन लोगों के साथ व्यवहार किया करता था। डम क्रीचर मूक प्राणी। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, बूढ़ा आदमी जो कि एक चावल का किसान था, वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, हो और स्पेड कुल्हाड़ी होती है, कुदाल होती है जिससे ज़मीन खोदी जाती है, और स्पेड फावड़ा होता है जिससे मिट्टी निकाली जाती है, तो इनके साथ वो अपने खेतों में जाया करता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा,
ये जापानीज के अंदर लिखा हुआ है एज द सन इज कॉल्ड, जैसे कि सूर्य को कहा जाता है। वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करता था सुबह से लेकर शाम तक, ओ टेंटो सामा। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक के सूर्य पहाड़ों के पीछे नहीं छुप जाता था, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो कड़ी मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर रोज ये कुत्ता काम पर जाते समय उनके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन, और कभी भी वो उस सफेद बगुले को, हेरॉन बगुला, उसको परेशान नहीं करता था, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब ये बगुला क्या करता था भाई, ये बगुला जो था वो दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और ये जो बगुला था ये बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उसके जो कदम थे, कदमों के निशान थे, उन पे चलता था और छोटे छोटे कीड़े उठाता था, खाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और ये जो बूढ़ा व्यक्ति था ये बहुत ही धैर्यवान था और बहुत ही दयालु था हर एक चीज़ के लिए जिसमें जीवन होता है। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉड, सॉड थोड़ी सी जमीन का हिस्सा, अर्थ होती है उसको सॉड कहते हैं, उसको थोड़ा सा टर्न अप डग अप वो खोद देता था, यानी थोड़ी सी जमीन को खोद देता था ऑन पर्पज, इंटेंशनली, जानबूझ करके वो थोड़ी सी जमीन को खोद देता था टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ताकि इन चिड़ियों को खाना मिल सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन ये जो कुत्ता था ये दौड़ता हुआ उस आदमी के पास आया, मतलब अपने मालिक के पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, उसने अपने पंजे इस व्यक्ति के पैरों के पास रख दिए और इस प्रकार से घूमने लगा और अपना सिर घुमाने लगा कि जैसे वो पीछे की तरफ किसी स्थान में इशारा कर रहा हो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, तो बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि शायद ये कुत्ता खेल रहा है और उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, वाइनिंग कू कू करता है कुत्ता, जैसे कह कराता है वैसे वो कुत्ता करता रहा और दौड़ता रहा आगे पीछे कुछ मिनटों तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स, और अब उस व्यक्ति ने, जो मालिक है, उसने अपने कुत्ते का पीछा किया कुछ गज तक टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और जहाँ पर उस कुत्ते ने बहुत सी जो जगह थी वो खोदना शुरू कर दिया, स्क्रैच खुरचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बैरिड बॉन और बिट और फिश, और जो मालिक था उसने सोचा कि यहाँ पर कोई हो सकता है हड्डी का टुकड़ा हो या मछली का टुकड़ा हो, वो नीचे दबा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, और उस बूढ़े आदमी ने अपनी जो कुदाली थी वो ज़मीन पर दे मारी, यानी खोदने लगा। When lo, a pile of gold gleamed before him, जब आहा देखो ये सोने का ढेर उनके सामने चमक उठा, यानी जैसे ही उन्होंने कुदाली मारी तो सोने का ढेर उन्हें नजर आया। ये देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैट डॉग है, दिस इज कॉल्ड हो, ये है कुदाली जिसे हो कहते हैं, और ये वो बूढ़ा आदमी है, और यहाँ पर सोने का ढेर आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कुत्ते ने अपने मालिक को सोना दिलवाया। Thus in an hour the old couple were made rich, और इस प्रकार एक घंटे में ही बूढ़ा जोड़ा जो था वो अमीर हो गया। The good souls bought a piece of land, और ये जो अच्छे आदमी थे इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। Made a feast for their friends, उन्होंने अपने मित्रों के लिए एक दावत दी या अच्छा भोजन कराया। And gave plentifully to their poor neighbors, और अपने पड़ोसियों को भी पर्याप्त मात्रा में दिया। As for the dog, और जहाँ तक कुत्ते की बात है, they patted him
टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस. उन्होंने इसको इतना दुलारा, पैटेड, पैटेड का मतलब प्यार किया, दुलारा, जब तक के वो उनकी दया से भर नहीं गया, पूरी तरह से अभिभूत नहीं हो गया, उसे उनकी दया प्राप्त नहीं हो गई. मतलब खूब उनको, उसने जो कुत्ता था उसको इन लोगों ने प्यार किया, दुलारा. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. अब उसी गांव के अंदर एक दुष्ट पुरुष, बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे. विकेट, दुष्ट, बहुत ही खराब. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जरा भी संवेदनशील नहीं थे और जरा भी दयालु नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस. वे हमेशा लात मार देते थे, पैर से उसको हटा देते थे, या कोसते थे, डांटते थे किसी भी कुत्ते को जब वो उनके घर के आसपास से गुजरता था, कोई भी कुत्ता हो. ये उसी कुत्ते की बात नहीं जो उनके पड़ोसी का था. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव. कॉक्स्ड, परसुएडेड, एंटाइस्ड, बहुत ही ज़्यादा फुसलाना, बहलाना. डेंटीज, टेस्टी फूड, अच्छा खाना. तो अब उन्होंने देखा, जो ये विकेट ओल्ड मैन और हिज वाइफ हैं, इन्होंने जब देखा, सुना कि उनके पड़ोसी का अच्छा भाग्य इस कुत्ते की वजह से आया है, तो उन्होंने इस कुत्ते को बहलाया, फुसलाया, अपने बागीचे में बुलाया और मछली के टुकड़े खिलाए, बहुत सा स्वादिष्ट खाना खिलाया, और ये आशा की कि शायद वो उन्हें भी खजाना दिला देगा. लेकिन कुत्ते ने, जो कि बहुत ही डरा हुआ था इस दुष्ट क्रूर जोड़े से, उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वहां से हिला. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डॉस टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम. तब उन्होंने उसको घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकाल दिया और साथ में अपने एक फावड़ा और कुदाल ले ली. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री growing in the garden then he began to paw and scratch the ground. जैसे ही वो एक pine tree, एक चीड़ या देवदार का वृक्ष होता है, उसके नीचे पहुँचे garden के अंदर, कुत्ते ने अपने पंजे से खुरचना शुरू कर दिया जमीन को. As if a mighty treasure lay beneath, जैसे कि उसके नीचे कोई बहुत ही बड़ा खजाना छिपा हो. Quick wife, hand me the spade and hoe. जल्दी करो पत्नी, जल्दी करो बीवी, लाओ मुझे फावड़ा और कुदाल दे दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जो लालची था, ग्रीडी लालची, बूढ़ा बेवकूफ था, वो चिल्लाया. एज ही डांस्ड विद जॉय, और बहुत ही उत्साह से नाचने लगा. देन द कवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन ओल्ड वुमन, यहाँ पर देखिए वुमन के लिए आया है क्रोन, और स्पेड आपको बताई दिया है फावड़ा होता है. तो इस तरह से ये जो लालची, कवेटस, ग्रीडी, जो बूढ़ा था वो अपने फावड़े के साथ, और ये जो बूढ़ी थी अपने कुदाल के साथ, बिगैन टू डिग, यानी दोनों, बूढ़ा और बूढ़ी, खोदने लगे फावड़े और कुदाल से. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, मात्र एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा था. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि उन्हें अपने औजार, यानी फावड़ा और हो, स्पेड एंड हो, वो फेंकने पड़े और अपना नाक बंद करना पड़ा. फ्यूरियस एट द डॉग, और इस कुत्ते पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े आदमी ने इस कुत्ते को बुरी तरह से पीटा और जान से मार दिया. एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो बूढ़ी औरत थी उसने ये काम समाप्त किया, यानी कि उसको अच्छी तरह से मार दिया, उसका सिर लगभग धड़ से अलग कर दिया, उसको काट दिया विद द शार्प हो, जो कि उनकी पैनी कुदाल थी उससे, यानी कुत्ते को उन्होंने मार डाला. दे देन फ्लंग हिम into the hole and heaped the earth over his carcasses.
कार्कस। उन्होंने उस जो डेड बॉडी थी कार्कस जो थी डेड बॉडी कार्कस फ्लंग थ्रू उसे उस गड्ढे में डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। हीप द अर्थ यानी वहाँ पर ज़मीन का जो मिट्टी निकाली थी उन्होंने उससे ढक दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, और जो मालिक था उस कुत्ते का जब सुना अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में, एंड मॉर्निंग फॉर हिम और उसके लिए शोक मनाया, बहुत ही दुख हुआ, जैसे कि एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उसका खुद का ही अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो रात को उसी चीड़ के वृक्ष के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बांस की जो डंडियाँ थी नलियाँ थी वो ज़मीन पर लगाई। सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम्स, जैसी कि समाधि पर लगाई जाती हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, वहाँ पर उन्होंने कुछ बिल्कुल ताज़े फूल रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और उसने वहाँ पर पानी का एक कप रखा, एक प्लेट के अंदर ट्रे के अंदर खाना रखा और बहुत सारी अगरबत्तियाँ, स्टिक ऑफ इंसेंस, बहुत सारी महंगी अगरबत्तियाँ वहाँ पर जलाईं। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और काफ़ी देर तक वो शोक मनाता रहा, रोता रहा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से पुकारता रहा। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित ही हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उसी रात उस कुत्ते की आत्मा इस आदमी के सपने में आती है, यानी मालिक के सपने में आती है और कहती है, वाह वाह, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रीव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। ये जो चीड़ का पेड़ है मालिक, इसको काट लो जो मेरी कब्र के ऊपर बना हुआ है, और इससे एक मोर्टार बना लो। मोर्टार होता है बाउल, अगर आपने सुना हो तो मोर्टार ओखली को बोलते हैं, ओखली बना लो फॉर योर राइस पेस्ट्री, आप जो चावल की पेस्ट्री बनाते हो उसके लिए, और एक चक्की बना लो जिसमें आप बीन का सॉस बना सकते हो। हियर यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द पाइन ट्री एंड स्पिरिट ऑफ डॉग, दिस इज द ग्रेव ऑफ दिस डॉग एंड दिस ओल्ड मैन इज ड्रीमिंग हियर, ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर सपना देख रहा है और कुत्ते की आत्मा बता रही है कि जो पेड़ लगा है ऊपर पाइन का, उसको काट करके उसका आप ओखली बना लीजिए और उसके अंदर राइस पेस्ट्री बनाइए और बीन सॉस बनाने के लिए आप उसमें मिल बना लीजिए यानी चक्की बना लीजिए। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, इस प्रकार जो बूढ़ा आदमी था यानी कुत्ते का जो मालिक था उसने पेड़ को काटा और जो तना था पेड़ का उसके बीच में से एक भाग 2 feet लंबा ले लिया। विथ ग्रेट लेबर, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, चीजल होती है छैनी, छैनी से काट करके और थोड़ा आग से जला करके, ही स्क्रैप्ड आउट यानी उसमें से उन्होंने ओखली बना ली, आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, एक छोटा सा कटोरा टाइप उसके अंदर बना लिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लंबा हथौड़ा बनाया लकड़ी का जिसमें हैंडल लगा हुआ था। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग क्रशिंग ग्राइंडिंग, चावल को निकालने के लिए कूटने के लिए ये इस्तेमाल जैसे किया जाता है वैसा उन्होंने हैमर बना लिया, हथौड़ा बना लिया।
When New Year's time drew near, और जब नए साल का समय पास आया, he wished to make some rice pastry. उन्होंने थोड़ी सी चावल की पेस्ट्री बनानी चाहिए. When the rice was all boiled, और जब सारा चावल उबाल लिया गया, Granny put it into the mortar. Granny, वही बूढ़ी औरत के लिए आया है, उन्होंने उसे उस ओखली में डाल दिया. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. और उस बूढ़े आदमी ने जब अपना हथौड़ा उस चावल की सामग्री पर उसको उसको कूटने के लिए उसको पीसने के लिए उठाया ताकि वो उसका आटा बना सके. And the blows fell heavy. और जैसे ही प्रहार बहुत जो कि भारी था वो गिरा. And fast till the pastry was all ready for baking. और जो कि पेस्ट्री थी वो बिल्कुल तैयार हो गई बेक करने के लिए उसको पकाने के लिए. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अचानक वो सारा का सारा जो चावल का पेस्ट्री का मसाला तैयार किया था वो सारा का सारा सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया. When the old woman took the handmill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जब बूढ़ी औरत ने वो हाथ वाली चक्की को उठाया और उसके अंदर बीन्स को डाला और पीसना शुरू किया तो उसमें से भी उन बीन्स का सोने की तरह से बारिश होने लगी. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और इसी दौरान जो नेबर था उनका जो कि उनसे जलता था एनवियस उनसे जलने वाला जो पड़ोसी था वो बूढ़ा पड़ोसी वो झांक रहा था खिड़की से जब ये उबली हुई बीन्स पीसी जा रही थी. गुड इवनिंग क्राइड द ओल्ड हैग. हे भगवान, वो बूढ़ी औरत चिल्लाई. हैग ये भी ओल्ड वुमन के लिए आया बट नॉट गुड ओल्ड वुमन. As she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, जब उसने देखा कि सारा का सारा जो सॉस है यानी बीन जो पिस करके उसमें से मसाला निकल रहा था वो सारा का सारा पीला सोना है उसमें परिवर्तित होता चला जा रहा है. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. जब तक के जो नीचे टब लगा हुआ था उस चक्की के वो पूरा का पूरा चमकदार सोने से भर नहीं गया. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. इस प्रकार फिर से वो बूढ़ा जोड़ा जो था अमीर हो गया. द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल. स्टिंजी माइजरली यानी कंजूस. जो कंजूस और दुष्ट पड़ोसी थे वो अगले दिन आए और उन्होंने ओखली को और जो जादुई चक्की थी उसको उधार ले लिया. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस. उन्होंने उबले हुए चावल से इसको भर दिया. एंड द अदर विद बीन्स. और चक्की को बीन्स से भर दिया. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड. और जब बूढ़ा आदमी उसे कूटने लगा और जो औरत थी वो पीसने लगी. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न. लेकिन पहले ही प्रहार में द और पहले ही घुमाव में द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू अ फाउल मैस ऑफ वर्म्स. जो पेस्ट्री थी यानी जो उसको पीसा जा रहा था चावल का जो कुचला हुआ भाग था वो और जो सॉस था वो एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदी बदबू वाले कीड़ों में बदल गया. स्टिल मोर एंग्री एट दिस. और इससे और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए दे चॉप द मिल इन टू पीसेस टू यूज एज फायरवुड. उन्होंने चक्की को काट दिया टुकड़ों में बांट दिया और ताकि उसको चूल्हे में लकड़ी के तौर पर प्रयोग कर सकें. So these are the comprehension questions. You can do them easily, very easy questions. Now come to the second part.
Not long after that, the good old man dreamed again. और ना इससे ज़्यादा देर नहीं हुई थी अभी बूढ़े आदमी ने फिर से एक सपना देखा. And the spirit of the dog spoke to him. कुत्ते की आत्मा ने उनसे बात की. Telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और उन्हें बताया कि किस प्रकार दुष्ट लोगों ने जो उनसे लेके गए थे वो चक्की और मोटर उसको किस प्रकार से जला दिया जो आपने पाइन ट्री से बनाई थी चीड़ या देवदार के वृक्ष से बनाई थी. ओह टेक द एशेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट. कुत्ते की आत्मा ने कहा वो राख जो है चक्की वाली उसको आप ले लीजिए और पेड़ों पर जो के मुरझा गए हैं उन पर छिड़क दीजिए वो फिर से खिल उठेंगे. ऐसा वो कुत्ते की आत्मा बोलती है. विदर्ड बेयर एंड ड्राई जो सूखे हुए पेड़ हैं मुरझाए हुए पेड़ हैं ऐसा कुत्ते की आत्मा ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. बूढ़ा आदमी उठा और अपने पड़ोसियों के घर गया. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर वहां पर उसने देखा कि ये जो दुखी बूढ़ा जोड़ा था वो बैठा हुआ था एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस अपने चौकोर चूल्हे के पास में इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर जो कि बिल्कुल जमीन के बीच में था स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. वो धुआं निकल रहा था और स्मोक कर रहे थे साथ में कुछ कताई कर रहे थे. स्पिनिंग का मतलब कताई करना. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट और समय समय पर वो अपने हाथ पैरों को गर्म भी कर रहे थे विद द ब्लेज जो लपटें उठ रही थी फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल जो के मिल के टुकड़े वहाँ पर जल रहे थे उनसे. While behind them lay a pile of the broken pieces. और उनके पीछे ही एक ढेर लगा हुआ था टूटे हुए टुकड़ों का जो मिल थी उसे तोड़ दिया था उसके टुकड़े पीछे रखे हुए थे. The good old man humbly asked for the ashes. और जो बूढ़ा आदमी था उसने विनम्रता से कहा कि थोड़ी सी राख मुझे दे दीजिए. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. लेकिन जो ये लालची जोड़ा था बूढ़ा बूढ़ी का इन्होंने अपनी जो उसका व्यवहार था उनका वो ठीक नहीं था. Turned up their noses means treated him with contempt. तिरस्कार के साथ बहुत ही अपमान किया उनका और उसे डांटा भी फटकारा कि जैसे कि वो कोई चोर हो. They let him fill his basket with the ashes. और उन्होंने कहा कि टोकरी यहाँ से राख की भर के ले जाओ. ऑन कमिंग होम घर आकर के द ओल्ड मैन took his wife. अब बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी को साथ में लिया एंड इनटू द गार्डन. वो गार्डन चले गए बागीचे में चले गए. इट बीइंग विंटर सर्दी का मौसम था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर उनका जो प्यारा चेरी का वृक्ष था वो बिल्कुल पत्ता विहीन हो गया था उस पर एक भी पत्ता नहीं था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट और उन्होंने एक छोटा सा एक चुटकी भर राख उस पेड़ पर छिड़क दी. एंड लो और देखो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स स्प्राउटेड उस अंकुरित होना उसमें छोटे छोटे से फूल निकल आए. अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स और थोड़ी देर में वहाँ पर गुलाबी गुलाबी फूलों का क्लाउड गुबार सा हो गया बादल से बन गए. विच परफ्यूम द एयर जिससे कि पूरी की पूरी हवा के अंदर सुगंध ही सुगंध हो गई. द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज पूरे गांव में ये खबर फैल गई. एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर और ये चमत्कार देखने के लिए सभी दौड़ पड़े. द कवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी और ये जो लालची जोड़ा था इसने भी ये कहानी सुनी. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल और उसने जो बाकी बची हुई राख थी उस चक्की की उसको इकट्ठा किया. कैप्ड देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम और
अपने पास रख लिया जिससे कि वो इन मुरझाए हुए पेड़ों को खिला सकें। द काइंड ओल्ड मैन, और जो बूढ़ा दयालु आदमी था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, लॉर्ड मालिक, ये सुना कि उनका जो मालिक है द डायमियो यानी जो राजा है, जो जमींदार है, वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड यानी कि हाईवे से, बड़े रास्ते से वो जाने वाले हैं, नियर द, हियर यू कैन सी दिस मैन इज विद स्प्रिंकलिंग एशेज एंड द ट्रीज ब्लूमिंग, ये राख छिड़क रहे हैं और पेड़ जो है वो गुलाबी फूल दे रहा है। तो जो राजा था या जमींदार था वो बड़े रास्ते से जाने वाला था, ये सुना इस बूढ़े आदमी ने, और वो गांव के रास्ते होकर के गुजरेगा, इस बात को सुन करके वो सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बैस्केट ऑफ एशेज, निकल पड़ा उनसे मिलने के लिए या उन्हें देखने के लिए अपनी ये राख वाली टोकरी लेकर के। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन प्रोसेशन यानी के जो जुलूस था, जो बहुत सारे लोग थे उनका जुलूस था, यानी डायमियो का जो साथ में लोग थे वो, उसको यहाँ पर ट्रेन कहा गया है। जैसे ही वो जुलूस वहाँ पर पहुँचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, वो एक बूढ़े मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया और जो के रास्ते के साइड में लगा हुआ था, रास्ते के किनारे लगा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, और ये इस प्रकार का नियम था या रिवाज था जब डायमियोस का टाइम था उस समय, कि जब भी उनके मालिक या जो राजा हैं, जमींदार हैं, वहाँ से गुजरते थे तो जितने भी वफादार लोग थे वो अपनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बंद कर लिया करते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ, दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो उनके ऊपर पेपर जो था कागज़ उसकी स्लिप भी खूब कस कर के चिपका देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि उनसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, इम्पर्टिनेंस कोई दृष्टता ना हो जाए, इस प्रकार की कोई गलती ना हो जाए कि वो अपने मालिक की तरफ नज़र उठा के देख सकें। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, सभी लोग सड़क के किनारे अपने हाथों को और घुटनों के बल ज़मीन पर लेट जाया करते थे, प्रोस्ट्रेट लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स, पूरा दंडवत प्रणाम किया करते थे जब तक कि वो पूरा जुलूस निकल नहीं जाता था। द ट्रेन ड्र्यू नियर, और ये जुलूस जैसे जैसे पास आया, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक बड़ा लंबा चौड़ा बहुत ही योग्य व्यक्ति आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और जो लोग रास्ते में थे उनको कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आ जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई अपने घुटनों के बल झुक जाता था जब जब ये जुलूस वहाँ से निकल रहा था। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. और अचानक जो उस जुलूस का या उस गाड़ी का जो लीडर था उसकी नज़र इस बूढ़े आदमी पर पड़ गई जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था। He was about to call out to him in an angry tone. वो उसे अभी बुलाने ही वाला था गुस्से में नीचे, but seeing he was such an old fellow, और ये देख करके कि ये तो बहुत ही बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने इस प्रकार से नाटक किया या इस प्रकार से बहाना बनाया, प्रिटेंड किया जैसे उसने देखा ही ना हो और वहाँ से गुजर गया, यानी जो आदमी सबको चेतावनी दे रहा था नीचे झुक जाओ नीचे झुक जाओ, उसने इस बूढ़े आदमी को देख तो लिया लेकिन फिर भी अनदेखा कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। सो व्हेन द डायमियोस
पैलेंक्विन ड्रू नियर. पैलेंक्विन रॉयल वैन कार्ट जो उनकी शाही पालकी थी वो जब वहां से गुजरी. द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. उस बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से थोड़ी सी राख निकाली और उसे इस पेड़ पर छिड़क दिया. इन अ मोमेंट इट बस्ट इन टू ब्लॉसम. और एक ही क्षण के अंदर ये खिल गया, ये पूरा का पूरा पेड़ खिल गया. द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. और ये जो खुश डायमियो था इसने आदेश दिया कि अरे भाई रोको, इस जुलूस को रोको और मुझे ये चमत्कार देखने दो कैसे हुआ. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया. ही थैंक्ड हिम, उसने धन्यवाद दिया. एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, कपड़े, रेशमी कपड़े उन्होंने पुरस्कार में दिए. स्पंज केक, ये भी खाने का सामग्री है, इस दी. फैंस, पंखे एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और इतने सारे पुरस्कार उसे प्रदान किए. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और उन्होंने अपने जो महल था वहाँ पर भी उन्हें आमंत्रित किया, बुलाया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली हैप्पीली, बहुत ही खुश होकर के बूढ़ा आदमी घर चला गया. टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, ताकि वो अपना आनंद अपनी पत्नी के साथ बांट सके. बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने यह बात सुनी. ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी वो जादुई राख ली और बड़े राजमार्ग पर चला गया. देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमियोस ट्रेन केम अलोंग, और वहां पर इंतजार किया जब तक के ये डायमियो का जुलूस वहां से ना निकले. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और नीचे झुकने की बजाय लाइक द क्राउड, बाकी जो जैसे भीड़ झुक रही थी. ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया. व्हेन द डायमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब वो डायमियो लगभग उस पेड़ के बिल्कुल नीचे था. ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उस बूढ़े ने उठा करके राख मुट्ठी भर और उस पेड़ पर फेंक दी. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे के एक कतरा भी बदला नहीं, यानी एक छोटा सा भी परिवर्तन नहीं आया. ए पार्टिकल इवन ए लिटिल बिट, छोटा सा थोड़ा सा भी. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डायमियोस एंड हिज वाइफ, और जो हवा थी उससे वो राख की धूल डायमियो के नाक में और उनके आंखों में चली गई, और उनकी पत्नी की नाक में और आंखों में चली गई. यानी जो राख थी वो कोई चमत्कार तो नहीं दिखा पाई, उल्टा नुकसान कर दिया. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इस प्रकार छींकते हुए और घुटन उनको होने लगी. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इसने जितनी भी शान थी, जितनी भी शोभा थी, जितना भी सम्मान था इस जुलूस का सारा नष्ट कर दिया. द मैन हूज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जिस व्यक्ति का ये काम था जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आ जाओ. सीज द ओल्ड फूल, उसने उस बूढ़े बेवकूफ को पकड़ लिया बाय द कॉलर से. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे पेड़ से घसीटता हुआ लेके आया. एंड टम्बल्ड हिम, और उसको लुढ़काता हुआ, ठोकर मारता हुआ. एंड हिज एश बास्केट इन टू द डिच गड्ढा, और उसकी जो राख की टोकरी थी उसको भी एक खड्डे में जो कि सड़क के किनारे था उसमें डाल दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली, उसके बाद बहुत बुरी तरह से उसको पीटा. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे अधमरा समझ करके, मरा हुआ समझ करके छोड़ दिया. दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मठ, और इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी, दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और
जो उस कुत्ते का दयालु दोस्त था यानी वो बूढ़ा मालिक जो था वो रहने लगा शांतिपूर्वक और बहुत ही समृद्धिपूर्वक, प्लेंटी, बहुत ही समृद्धिपूर्वक। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और वो और उनकी पत्नी लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन हियर हेल्दी एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस, यानी कि बहुत ही स्वस्थ और समृद्ध जीवन उन्होंने, जो अंतिम अवस्था थी बुढ़ापा था, वो काटा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ विलियम एलियट ग्रिफिस, अ जैपनीज टेल, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑनेस्टी एंड लव, काइंडनेस, दीज आर द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। सो रीड दिस स्टोरी अगेन एंड डू द क्वेश्चन आंसर्स।